वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक टॉप डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 2.5 मीटर नेट का फैब्रिक लिया है और 2.5 मीटर ही अस्तर लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर को यहाँ मैंने चार भाग में फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम यहाँ इसकी पेटी निकालेंगे। तो पेटी के लिए हमने जितनी भी लंबाई हमें चाहिए उससे 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। मैंने यहाँ 11 इंच पर निशान लगाया है। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे, 6 इंच का शोल्डर पर निशान लगाया है। इसके बाद हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल के लिए हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हमने इन दोनों निशानों को मिलाकर देखना है और उसके बाद हम आर्म होल की गोलाई देंगे। यहाँ 1.5 इंच की आर्म होल की गोलाई देना है। आर्म होल की गोलाई लगाने के बाद हम इसे चेस्ट पर निशान लगाएंगे। तो चेस्ट के लिए हम यहाँ चेस्ट का चौथा भाग, हमारे चेस्ट यहाँ 30 इंच है तो हम इसका चौथा भाग 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हम इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए और मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाएंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये ऊपर का टॉप भाग है, इसके नीचे। इसके बाद हम बॉटम की कटिंग करेंगे। बॉटम की कटिंग करने के लिए कपड़े को हम ऐसे ट्रायंगल शेप में रख लेंगे और अपने कमर के यहाँ पर चौथे भाग पर निशान लगा कर इसकी कट करेंगे और जितनी लंबाई हमें चाहिए टॉप की उतनी लंबाई हम यहाँ पर रख लेंगे। ऐसे ही हमने जो टॉप भाग कट किया था उसको भी हम मेन फैब्रिक नेट के फैब्रिक पर रख कर उसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने टॉप भाग कट किया है अस्तर पर, वैसे ही हमें मेन फैब्रिक का भी कट करना है। यहाँ हमने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को कट कर लिया है। अब हम टॉप पार्ट के गला बनाएंगे। गले बनाने के लिए हमने यहाँ गले की लंबाई और चौड़ाई जितनी हमें चाहिए उसे कट कर लेंगे और इसके बाद मेन फैब्रिक को नीचे रखकर और अस्तर को ऊपर रखकर हम इस पर चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे और इसको पलट देंगे। फैब्रिक को पलटने से पहले गले में हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि हम इसे जब पलटें तो गला हमारा फिनिशिंग से बनकर आए। इसे हम अच्छे से पलट लेंगे और इसके बाद हम इसे फिनिशिंग देने के लिए ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे। अब हमने यहाँ सिलाई लगा ली है और हमारा टॉप पार्ट तैयार है। इसके बाद हम इन दोनों की कंधी को अटैच कर लेंगे। अभी हमें यहाँ सिर्फ दोनों की यहाँ कंधी से अटैच करना है। अभी यहाँ फिटिंग की सिलाई हमें इसमें नहीं लगानी है। इसमें हम सबसे पहले हमारी जो कॉलर है वो अटैच करेंगे, उसके बाद ही हम इसका बॉटम पार्ट इसमें अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों कंधियों को अच्छे से जोड़ लेते हैं। यहाँ हमारी दोनों कंधियाँ हमने अटैच कर ली है, ऊपर का पार्ट बनकर तैयार है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटर में निशान लगाने के बाद हम दोनों कंधियों के बीच में एक निशान लगाएंगे। जहाँ हमारी कंधी यहाँ पर ख़त्म हो रही वहाँ एक निशान लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट के लिए यहाँ मैंने 3 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है। इसे आगे के भाग में हम नीचे तक जहाँ तक पट्टी रखना चाहते हैं वहाँ तक रखेंगे और इसकी जो लंबाई है ये हमने कंधियों के बीच में जो निशान लगाया है जितनी हमारी कंधियों की लंबाई है उतना ही हमें इस बेल्ट की लंबाई ऊपर तक रखना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर कॉर्नर पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ देखिए मैंने सिलाई लगा ली है इस पट्टी पर, इसको हम सीधी साइड पलट देंगे। पट्टी को पलट कर हम अच्छे से सेट कर लेंगे और जहाँ हमने निशान लगाया था सेंटर में वहीं से कंधी तक जो हमने निशान लगाया है ऊपर उसको अटैच कर देंगे। मैंने कंधी के सेंटर में अटैच करना है, तो चलिए पहले इसे अटैच कर लेते हैं। यहाँ हमें निशान पर रख लेना है और इसे अटैच कर लेना है। जहाँ हमारी कंधी है वहीं हम इसे रखकर सीधे अटैच कर लेंगे। आप किसी भी मेजरमेंट में बना रहे हो आपको इसे ऐसे ही अटैच करना है। Thank you.
देखिए हमने यहाँ पर इसको अटैच कर लिया है बेल्ट को। बेल्ट को अटैच करने के बाद अब हम इसमें बॉटम जोड़ेंगे। बॉटम को हमें अस्तर और जो नेट का हमारा मेन फैब्रिक है उन दोनों को हमने जोड़ लिया है। अब इसे हम हमारा जो टॉप पार्ट है उससे अटैच कर देंगे। बॉटम पार्ट अटैच कर लिया और नीचे हमने सिलाई लगा दी। आप चाहे तो नीचे इसमें बीको भी करवा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ कॉलर लगाएंगे। कॉलर के लिए मैंने यहाँ 3 इंच की चौड़ी पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई हमें 3 इंच रखनी है। और कॉलर की गोलाई कॉलर की गोलाई के लिए हमारी नेक पर राउंड ऐसे इंची टेप रखकर मेजरमेंट ले लेना है। यहाँ हमारी कॉलर की जो लंबाई है वो है 12 इंच, तो मैं 12 इंच में 1+ करके 13 इंच पर कि यहाँ एक लंबी पट्टी तैयार कर ली है। इसमें मैंने यहाँ कैनवास अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ इसको सेंटर से अटैच करेंगे। ऐसे सेंटर पर हमें पहले निशान लगा लेना है। सेंटर पर निशान लगाने के बाद हम यह जो बेल्ट है हमारा उसके भी सेंटर पर निशान लगा लेंगे। अब हमें इसे अटैच करने के लिए जो हमारा कॉलर का भाग है उसका सेंटर और जो हमने यहाँ पट्टी लगाई है उसका सेंटर, दोनों सेंटर को लेकर हम इसको अटैच करेंगे। हम इसको सीधे रखते हुए सीधे भाग से ऐसे अटैच करेंगे। या आप चाहे तो पहले इसे फोल्ड कर लें और फिर अटैच करें। सेंटर को हम इसमें रख देंगे फोल्ड करते हुए और ऐसे ही ऊपर के भाग को हम इसके ऊपर प्लेस कर देंगे और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। अटैच करने के बाद हम कॉर्नर को यहाँ अंदर की साइड फोल्ड कर दबा देंगे। यहाँ कॉलर को हमने अटैच कर लिया और यह हमारी कॉलर बनकर तैयार है। इसके पीछे वाले भाग में हम यहाँ हुक या टच बटन लगा सकते हैं। कॉलर अटैच करने के बाद हम इसमें एक फ्लावर अटैच करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ एक पट्टी ले ली है और उसे फोल्ड कर सीधा कर लिया जैसे हमने कॉलर में पट्टी लगाई थी। इसे हम सुई की सहायता से ऐसे एक कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। इस पूरी पट्टी में हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसे फोल्ड कर ऐसे फ्लावर बनाएंगे। आप एक जो हमारा सिलाई का धागा है उसे खींचेंगे तो यह सब साथ में आ जाएंगे और अपने आप ही एक फ्लावर क्रिएट हो जाएगा और इसे हम टाके लगा देंगे। इसके बाद मैं यहाँ छोटा सा एक वाइट कलर का मोती लगा रही हूँ जिससे ये देखने में और भी सुंदर लगेगा।
ऐसे ही वाइट कलर के मोती हमने ऑल ओवर ड्रेस में लगा दिए हैं। अब हम इसे जो हमारी नेक का सेंटर है वहाँ अटैच करेंगे। जो हमारी नेक पट्टी है उसके सेंटर में इसको हम अटैच कर देंगे। यहाँ हमने फ्लावर अटैच कर लिया है और पीछे हुक बटन भी लगा दिया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।